हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो आज भी हम करने वाले हैं क्रियाकलाप जो कि लिया है आपकी पुस्तक रिमझिम कक्षा 4 के पाठ किरमिच की गेंद से। तो चलिए खोलिए अपनी पुस्तक और निकालिए पृष्ठ संख्या 17 यानी कि 70। गेंद किसकी? क, दीपक ने गेंद को अपना बताने के लिए उसके बारे में कौन कौन सी बातें बताई। तो दीपक ने बहुत सी बातें बताई थी कि वह गेंद मेरी है इसलिए मेरी है, इसमें ऐसा है इसलिए ये मेरी है। तो यह सारी बातें दीपक ने बताई थी और यही सारी बातें हमें लिखनी है। अगर दीपक और दिनेश गेंद के बारे में फैसला करवाने तुम्हारे पास आते तो तुम गेंद किसे देती? यह भी बताओ कि तुम यह फैसला किन बातों को ध्यान में रखकर करते। चलिए पहले करते हैं क प्रश्न, क्योंकि है दीपक ने गेंद को अपना बताने के लिए उसके बारे में कौन कौन सी बात बताई। दीपक ने गेंद को अपना बताते हुए बोला, उसकी गेंद 5 महीने पहले खो गई थी। उसकी गेंद पर ऐसा ही लाल रंग का निशान था जैसा उस गेंद पर है। उसकी गेंद के टप्पे से भी ऐसी ही आवाज आती थी। वह अपने पापा से भी कहलवा सकता था कि यह गेंद उसी की थी। तो दीपक ने यह सारी बातें बोली थी उस गेंद को अपना बताने के लिए। अगर दीपक और दिनेश गेंद के बारे में फैसला करवाने तुम्हारे पास आते तो तुम गेंद किसे देती? यह भी बताओ कि तुम यह फैसला किन बातों को ध्यान में रखकर करती। तो अब दिनेश और दीपक आए हैं मेरे पास, किस बात का फैसला करवाने कि वह किरमिच की गेंद आखिर किसकी है। दीपक ने भी बड़ी सारी बातें कही, जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि वह गेंद में जो लाल निशान है वह उसकी गेंद में भी था और टप्पे से भी वही आवाज आ रही है। साथ ही में वह अपने पापा से भी कहलवा सकता था कि वह गेंद आखिर में दीपक की ही है। तो बहुत सारी बातें दीपक ने कही और ये भी कहा कि वह गेंद 5 महीने पहले खोई थी उसकी, जिससे एक जैसी आवाज एक जैसा निशान था। और दिनेश तो अपने आप से ही कह रहा था कि यह गेंद दिनेश की नहीं है, यह उसे मिली है। तो मैं किसे देती है गेंद? मैं गेंद दिनेश को देती क्योंकि वह गेंद उसे ही मिली थी। साथ ही उसने सबके सामने सच बता दिया था कि वह गेंद उसकी नहीं है। तो इसीलिए मैं गेंद दिनेश को देती, ना ही दीपक को, क्योंकि दीपक झूठ कह रहा था कि वह गेंद उसकी है। तो मेरे तो यह कारण है। आप बताइए कि आप होते और दिनेश और दीपक आपके पास आते गेंद के बारे में बात करने, तो आप किसे देते? दीपक को, दिनेश को, या किसी और को, या खुद ही रख लेते? चलिए बताइए मुझे। मिलते हैं अगली बार एक नए क्रियाकलाप कहानी या कविता लेकर।